रोना आपको क्या, रोना तो मेरे को है, मेरा रूम गया अभी। मेरे रूम से सब सामान निकल के भाई हॉल में पटकना पड़ेगा अभी शाम यहाँ चटनी डाल के सोएगा। और एक चीज है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों, कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, इसका नाम सनी है और हम लोग पिछले 3 महीने से ना सरसर करके बात करते हैं दूसरे से। तुम्हें पता है इसकी क्यों? तू मेरे से करता है, मैं पूरी दुनिया से करता हूं। एकदम से पता नहीं कैसे चालू हुआ, हम लोग वी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक वी स्टार्टेड बाय लक। यार फुगाना इज नॉट अ टास्क बट बांधना इज सच अ बिग टास्क। सो अगर अभी आप सोच रहे हो कि मैं फुग्गे क्यों फुला रहा हूं, मेरा घर आज फॉर अ चेंज इतना साफ क्यों है, सब बताऊंगा। सबर रखो, दिस इज हाउ बॉयज बिहेव व्हेन दे सी अ गर्ल। सब साले उछलने लग जाते, देखो ये तो कितना ऊपर उछल रहा है। कैसा हंसता है, नाखून भी नहीं है खाली, मैं टच भी नहीं करने वाला किसी को। सो आई विल टेल यू व्हाट, सो वी हैव दिस बलून्स, वी हैव दिस पार्टी पॉपर एंड वी हैव दिस केक एंड इन सब के साथ साथ वी हैव सम बर्थडेज एंड दिवाली का सामान जो हम लोग दिवाली या बर्थडे में यूज करते हैं बेसिकली। लाइट कहाँ दूर जा रहा है भाई, मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी मैं सामान लेके आता बाहर से, एज यू नो इंडियन मॉम्स, क्यों लेके आना है बाहर से घर सजाने के लिए, नीचे ड्रॉअर में देख दिवाली का या किसी बर्थडे का सामान पड़ा होगा जो मम्मी लोग बचा के रखते हैं, वही इस्तेमाल करो, बाहर से मत लेके आओ। अगर मम्मी ने आपको ऐसा बोल दिया लिटरली यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, ऑल यू कैन डू इज। सो अभी रात के 12 बज रहे और मैं अपनी बाजू वाली बिल्डिंग में ही दोस्त से उनकी गाड़ी लेने आया था। अभी आप वापस सोच रहे होगे कि ऐसा हो क्या रहा है, शाम घर थोड़ा सजा भी रहा है, अपने दोस्त से गाड़ी भी लेके आ रहा है, होने क्या वाला है, बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। मुझे अभी एक चीज रियलाइज हो रही है कि लोग सोच रहे होंगे कि ये हर एक सीन में बोल रहे हैं सब्र रखो, बताएंगे बताएंगे, बट शायद अपने टाइटल में तो ये लोगों को रिवील कर ही दिया कि है क्या, ऑब्वियस नहीं है। सो विल ट्राई, मैं जैनित को बोलूंगा और ध्रुव को बोलूंगा कि विल ट्राई कि हम लोग टाइटल से रिवील ना करें कि ऐसा क्या है, अगर हो गया रिवील तो माय बैड, फिर भी सबर करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वो जो था कि सबर करो सबर करो, सो ऑल ऑफ द एक्साइटमेंट वाज कि पहली बार मेरी भाभी शादी होने के बाद पहली बार शी इज कमिंग टू मुंबई अलॉन्ग विद द बेबी प्रयान, और भाभी के साथ भाई भी आ रहा है, मम्मी आ रही है। सो बेसिकली भाभी ऑलवेज वांटेड टू स्टे इन मुंबई एंड दिस इज द टाइम व्हेन शी इज प्लानिंग टू शिफ्ट, मतलब भाई भी आया है बट ही इज गोना गो बैक टू दिल्ली एंड वो बाद में वापस आएगा, बट बोलते ना ये वो मोमेंट है कि भाभी शादी होने के बाद पहली बार घर आ रही है, मुंबई आ रही है, सो इसीलिए सब एक्साइटमेंट था। और मम्मी मुझे स्पेशली मैसेज कर रही थी कल से, मम्मी ट्रेन से मैसेज कर रही है कि बेटा भाभी पहली बार आ रही है, मेक श्योर यू डू समथिंग, मेक श्योर यू प्लान समथिंग, मेक श्योर यू डेकोरेट समथिंग। तो थोड़ा बहुत ट्राई किया बिकॉज लॉकडाउन में सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अभी मैं स्टेशन ही जा रहा हूँ उनको लेने जा रहा हूँ, उनके पास सामान तो ऐसे बहुत है बिकॉज भाभी आ रही है एंड यू नो बोलते ना नई नवेली दुल्हन के कितने सामान होते हैं। तो मम्मी ने बोला कि उनके पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो अभी बस जा ही रहा हूँ। ध्रुव एंड सनी वर सपोज टू बी विद मी इन द एडजेसेंट कार बट दे डिड नॉट बिकॉज ध्रुव थोड़ा लेट हो गया और मुझे फोन पे फोन आ रहे थे भाई के एंड मम्मी के कि वी आर गोना रीच, वी आर गोना रीच, सो आई हैड टू लीव देम। अभी मैं उनसे काफ़ी आगे हूँ, मतलब मैं तो पहुंच जाऊंगा अभी 5-10 मिनट में एंड आई होप कि मम्मी चिल्लाए नहीं बिकॉज उनको टाइम हो गया उतरे हुए। सो या आई एम ऑन माय वे, लेट्स सी। हे भगवान है कहाँ रे तू, थोड़ा ज्यादा जल्दी है आजादी मना ली मैंने, मुंबई में आजादी नहीं मिल सकती ट्रैफिक से भाई लोग, इतना ट्रैफिक है ना मुंबई में कि पूछो मत, आधे लोग तो झोल करके लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर लेते हैं एंड स्टिल देयर आर मेनी पीपल हु स्टिल वांट टू गो टू द ऑफिस, सब रोड से निकल जाते हैं यार, मतलब इतना ट्रैफिक है भाई अभी कोरोना के वक्त। बैठो भाई, मुंबई जाना है तो भाई एकदम जो आपका काम है उससे 2 घंटे का 2 नहीं 4 घंटे का टाइम लेके चलने का, 2 घंटा जाने का 2 घंटा आने का, मुंबई है भाई। ओ
क्या चल रहा है सब, क्या है ये सब? अरे यार कितने साल बाद आई मम्मी मुंबई? 3 साल। भाभी किधर है? दूर से दिख जाती है ना एकदम रौनक, एकदम एकदम कोई तो स्मार्ट लौंडा है। भाभी किधर है? वेलकम टू मुंबई सिंगम, वेलकम टू मुंबई सिंगम, वेलकम टू मुंबई। ए मुंबई, ए भाई मुंबई में आया तू भाई? ओए बहुत मुश्किल काम है सर यहाँ से लेना। पीछे गाड़ी है, रुक जा। लेफ्ट में लगाना चाहिए। अरे शाम बोला नहीं ना। सच क्या है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे तो केशव है। इधर से, इधर से, इधर से खोल ले, खोल ले। हाय छोटे शर्मा जी। ए प्रयान भाई साहब, प्रयान। ओए ओए वेलकम सर, सर सर आपका सरप्राइज ये था सर। बेबी अभी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी माँ हम नहीं बनेंगे। जब तक ये नहीं थी तो हम लोग सोचते थे विक का हम लोग पहन के हम लोग माँ बन जाए, फिर किसी प्रथमेश की मम्मी को। अभी ओजी, ओजी माँ इज हियर असली है। और ओजी भाई का क्या है? ओजी भाई का क्या? नहीं अभी ओजी अंकल, अंकल जी है वीडियो में सर। ओजी गैंगस्टर। देखो जरा कौन मुंबई आया, देखो जरा कौन मुंबई आया। सर कैसा लग रहा है आपको मुंबई आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बताइए, आपके ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिए। देख क्या रहा है, बोल बोलो ना। ये ले काल। वो बोल रहा है दिल्ली से हूँ। भाई ये तेरी मम्मी दिल्ली से भाजी लेके आई है क्या? नहीं रे बाबा, नीचे से लेके आई है मम्मी, लेकिन मेरी माँ ला सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दिल्ली से लाई है मम्मी सब्जियां? आंटी दिल्ली से सब्जी लेके आई हो क्या? ये हम लोग का नहीं है, ये नीचे से आया होगा। सीधा राइट पे ना। अरे वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हा हा हा, बेचारे बच्चे से क्या क्या करा रहे हो भाई आप लोग? साफ भी आपको ही करना पड़ेगा फिर भाई। Oh my God, she can't stop blushing. रोना आपको भी, रोना तो मेरे को है, मेरा रूम गया अभी। मेरे रूम से सब सामान निकल के भाई हॉल में फटकना पड़ेगा अभी। अभी शाम यहाँ चटाई डाल के सोएगा। असली बच्ची आ गया थे, असली है। वेलकम होम। बच्चे ना यार अभी से ही काट रहे, बड़े हो गए पता नहीं क्या क्या काटेगा। ओ क्या बात है। शाकल छोटा शाकल, क्या हुआ? ये एक सेकंड, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मानसी इफ यू आर वाचिंग दिस, मानसी इज नॉट गुड टू डू दिस। Oh,
फोटो व्हाट्सएप कर रही हूँ। किसकी फोटो? मेरी फोटो, पूरी फैमिली की हमारी। ये ले इससे पोछ ले अपने आंसू पैंपर से। इधर इधर पहन के घूम पैंपर्स, क्योंकि अभी रोने वाला है तू। चलो 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 मेरी बेदर्दी पे तुम लोग के भी मजे गए इस रूम के। सनी चिल्ला रही है भाभी। स्क्रिप्टेड है, टेंशन मत लो भाभी, अच्छी है मेरी। तो लोग तो जगह अभी चिल्लाने लग गए। क्या क्या तारीफें की थी तूने, मम्मी बाप बना दिए। छोले भटूरे एक बोले थे, छोले भटूरे, दाल, साबूदाने के वड़े, पोहा, और क्या बना दो, और खीर का वो खीरा ना। हाँ, इसने बोला ये पांच चीज आएगी ना मम्मी तब खिलाऊंगा, मान जाओगे। तो डिसाइड है, हर संडे बन जाना चाहिए, हर संडे चीट में ये सब बन जाना चाहिए। मैंने वो एक बार खाया, उसके बाद मैंने अभी तक बाहर का नहीं खाया, मुझे लगता है ये कचरा है। अंकल के हाथ का सूप भी आता है, अभी तक सूप नहीं खाया ढंग का। अंकल को तो बोल नहीं थे, अंकल की वाइफ को घुमा के देखिए। तो तारीफ कैसे किया मेरी।